Assalamualaikum class 7 आज हम पढ़ेंगे exercise number 3.1 और 3.2। तो 3.1 के अंदर हम conversion check करेंगे कि conversion किस तरीके से होती है, decimals में कैसे convert किया जाता है number को और whole number को decimal में, और decimal को whole number में कैसे convert करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि ये fraction को हम decimal में कैसे change करेंगे। तो ये 13 और 4, इसको हम डिवाइड करें, 4 3 है 12, तो 1 कैरी। तो अब ये 1 जो है वो स्मॉलर है 4 से, जब डिवाइडर डिविजर से छोटा हो जाता है तो उस पे एक जीरो लगा देते हैं, लेकिन वो जीरो लगाने से पहले हमें यहां पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो यहां पे हम पॉइंट लगाएंगे, यहां पे जीरो, तो ये 10 बन गया। तो अब 4 2 है 8, कैरी किया 2, तो फिर ये 2 स्मॉलर हो गया 4 से, तो अगेन हम एक जीरो पुट कर देंगे, लेकिन अब पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, पॉइंट एक दफा ही लगता है। फिर जीरो किया तो 4 5 आर 20, तब ये पूरा पूरा हो गया, तो मींस 13 4 पे डिवाइड हो गया, तो आंसर हमारे पास क्या आया, 3.25। तो अब ये कन्वर्ट हो गया फ्रैक्शन से डेसिमल के अंदर। इसी तरीके से हम डेसिमल को अब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब डेसिमल को फ्रैक्शन के अंदर चेंज करने के लिए अब हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये है जी 0.34। अब जैसे हमने पॉइंट पुट किया था वैसे ही हम पॉइंट को खत्म करेंगे बाय शिफ्टिंग टुवर्ड राइट। जैसे जैसे हम इसको शिफ्ट करते जाएंगे, जितने डिजिट शिफ्ट करेंगे उतने जीरो नीचे आते जाएंगे वन के साथ। अब ये है जीरो, अब ये पॉइंट हम तो शिफ्ट कर देंगे तो ये 3.4 हो जाएगा। अब ये जीरो की वैल्यू खत्म हो गई, ये खत्म, तो ओवर में आ गया 10। अब अभी भी ये डेसिमल में ही है, पॉइंट में है ना, तो पॉइंट में बिल्कुल खत्म करना, तो इसको मजीद उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा। अब ये एक इंच और तो शिफ्ट हो गया, यहां पे पॉइंट हो गया, इसके बाद कुछ भी नहीं है जीरो, तो इसके साथ एक और जीरो ऐड हो गया। तो अब क्योंकि पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है तो इसलिए हम इसको खत्म कर सकते हैं, पॉइंट की भी वैल्यू खत्म हो गई और पॉइंट के बाद जो जीरो थे उसकी भी वैल्यू खत्म हो गई, वो नॉन सिग्निफिकेंट हो गए। तो अब इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, 34/100। तो इससे हमें पता ये चला कि पॉइंट को जितने हिस्से हम उधर शिफ्ट करते जाएंगे उतने जीरो साथ आ, अब देखिए पॉइंट हम फुल उधर ले जाएं तो 3 4 4 4 4, तो 1 के साथ 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा दिए। इसी तरीके से हम इसको फर्दर जो है वो कर सकते हैं, जितना मर्जी लंबा क्वेश्चन आ जाए उसको हम इसी के साथ सॉल्व करेंगे कि जितना इनसे पॉइंट को हम उधर शिफ्ट करते जाएंगे राइट की तरफ उतने नीचे जीरो ऐड करते जाएंगे। तो 3.1 के अंदर जो दो क्वेश्चन हैं वो इन्हीं दो पैटर्न पे होंगे कि फ्रैक्शन को पॉइंट में शिफ्ट करें, यानी डेसिमल में, और डेसिमल को शिफ्ट करें फ्रैक्शन के अंदर। अब 3.2 में जो ज्यादा सारी चीजें आ गई हैं उसमें आ गया है टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिक्योरिंग डेसिमल और फिर नॉन रिक्योरिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इन सबको हम अलग अलग जो है वो डिफाइन करेंगे और इसी से ये क्वेश्चन भी साथ होते जाएंगे। अब सबसे पहले है जी 1/2। अब ये हमें पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको हम डिवाइड करें, कैसे डिवाइड करेंगे, 1 और 2 ऐसा ही है। तो अब देखें ये स्मॉलर है या ग्रेटर है, तो अभी मैंने क्या बताया था कि पॉइंट लगा दें। अब ये पॉइंट जो पहले नंबर पे आ गया इसलिए हमने शुरू में जीरो लगा दिया, इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, अगर जीरो लगाएं तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी अंडरस्टूड है कि इससे पहले कुछ नहीं है। तो यहाँ पर लगा दिया जीरो, तो 2 5 आर 10,
खत्म, तो आंसर क्या आ गया 0.5। तो 1/2 जो है वो फ्रैक्शन में से जब डेसिमल में जाएगी तो 0.5 खत्म हो गया। तो ये यहीं तक खत्म हो गया है, तो इसका मतलब ये है टर्मिनेटिंग। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग होता या नॉन रिक्योरिंग होता तो ये चलता जाता, जैसे इससे अगले क्वेश्चन में होगा। जैसे ये 9/7 है, अब इसको करें 9/7, तो 7 1s are 7, 2, अब ये 2 स्मॉलर हो गया तो पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, तो 7 2s are 14, क्या बचा 6, अभी भी स्मॉलर है, एक और 0 लगा देंगे। अब फिर इसको करेंगे तो 7 8s are, ये हो गया 56, फिर 2 आ गया, फिर 0 लगा देंगे, फिर 2 आ जाएगा। तो ये बात जो है वो आगे से आगे चलती जा रही है, चलती जा रही है। चलती जा रही है 5 7 2 1 9, और ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। तो ये हो जाएगा नॉन रिक्योरिंग, ये खत्म नहीं हो रहा। अब अगर ये तो हो गया, हमने सॉल्व किया तो हमें पता चल गया, अगर आ जाए कि बगैर सॉल्व किए बताएं तो क्या करेंगे। तो जैसा कि ये 9/7 है, इसमें हम इस हिस्से को देखेंगे, डिनोमिनेटर को। अब अगर तो ये 2 या 5 का कोई फैक्टर बन गया तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। ये किसी का प्राइम फैक्टर नहीं है तो ये ना ये इधर फुलफिल हो रहा है ना ये इधर फुलफिल हो रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग में जाएगा। लेकिन अगर हम ये देखें 3/10, तो ये 10 तो है, 10 2 का भी है, 5 का भी है, अगर दोनों में से किसी एक का भी हो जाए तो भी ठीक है, अगर दोनों का हो जाए तो बहुत अच्छी बात। अब इसको अगर हम करें 3 10, तो फिर पॉइंट लगा के 0 लगाना पड़ेगा, 3s are 30, ये ले हो गया 0.3 आ गया। तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेट हो गया मतलब खत्म हो गई डिवीजन। अगर डिवीजन ना खत्म हो, चलती जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसी ये पहला क्वेश्चन, विदाउट डिवीजन सेपरेट द फॉलोइंग इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अभी मैंने बता दिया कि जो 2 या 5 का प्राइम फैक्टर होगा तो वो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। तो 27/8 2 का है तो ये टर्मिनेटिंग होगा, 5000/342 तो एंड पे 2 आ गया है, तो इसका मतलब है कि ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 का फैक्टर बनेगा, इसलिए ये भी टर्मिनेटिंग है। इसी तरह ये सारे चेक करने हैं। अब एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अप टू 2 डेसिमल पॉइंट, यानी कि अब हमने इसको सॉल्व करना है लेकिन सिर्फ 2 डिजिट्स तक, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल पॉइंट का मतलब डेसिमल प्लेसेस का मतलब है 2 डिजिट, ये 31 और 7, ये है क्वेश्चन है 31/7। तो 7 कितना आएगा, 4 28, तो अब ये कम हो गया, कितना रह गया 3, अब ये छोटा हो गया तो इसको पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, अब ये फिर 4 ही आएगा, अब बच गया 2, अब फिर 0 लगा देंगे, अब ये 7 2 14, अगर 3 करेंगे तो 21 आ जाता जो कि 20 से बड़ा है, इसलिए 3 नहीं लिख सकते, 2 लिखेंगे। तो अब ये फिर जो है वो आगे आगे चलता जा रहा है, अब ये आ गया 6, फिर पॉइंट लगेगा, फिर 60 आ जाएगा, ये बात चलती जाएगी, लेकिन उसने हमें 2 डेसिमल प्लेसेस कहा है, तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस हो गई हैं, तो इसका आंसर आ गया 4.42। इसी तरह कन्वर्ट दी डेसिमल इनटू रैशनल नंबर, अभी जो मैंने पहले एग्जांपल की थी डेसिमल को रैशनल में चेंज करने वाली, कि जैसे जैसे हम पॉइंट को शिफ्ट करते जाएंगे राइट को, वैसे वैसे नीचे 0 इंक्रीज करते जाएंगे, यानी 10 की पावर इंक्रीज। अब ये 3.2 है तो इसको अगर हम 32 लिखें, यानी ये पॉइंट जो है उधर शिफ्ट होकर ख़त्म हो गया क्योंकि उसके आगे कोई हिंसा नहीं है, तो कितने हिंसा शिफ्ट हुआ, 1, एक डिजिट शिफ्ट हुआ, तो 1 के साथ 10 आएगा, यानी कि 32/10, और ये इक्वल आ गया है 3.2 के। अगर हम 32/10 करें तो 3.2 ही आएगा। इस तरीके से इन सब को हमने कन्वर्ट करना है। एक और कर देता हूँ आप लोगों के लिए, 21.397 लास्ट वाला।
अब इसमें भी 21397 मैंने इकट्ठा लिख दिया है। अब इसको हम लास्ट पे ले गए तो कितने डिजिट गया 1 2 3, तो 1 के साथ 1 2 3 0 ऐड कर दिए तो ये बन गया 1000। तो 21397 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आएगा। इसी तरीके से आपने ये के सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर लेने हैं। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।